बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र में यामाहा शोरूम के मालिक पेशकार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चार दिन पहले चार गोली मारकर बेरहमी से की गई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट में तैनात पेशकार की हत्या। पार्टनर मृतक अतुल शर्मा ने उधार के 8 लाख रुपए का तकाता किया था, जिससे नाराज होकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से चार गोली मारकर सौरभ ने हत्या कर दी थी। इसका खुलासा पुलिस ने रात दिन मेहनत करते हुए हत्यारोपी सौरभ को गिरफ्तार किया है। आला कत्ल पिस्टल बरामद करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स सौरभ शर्मा है, जिस पर अपने ही पार्टनर अतुल शर्मा की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। आपको बता दें कि बीती 25 जून को बुलंदशहर रोड स्थित यामाहा के इसी शोरूम में यामाहा शोरूम के संचालक और फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 में पेशगार अतुल शर्मा की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। दोनों पार्टनर ने इत्मीनान से बैठकर बियर पी, इसी बीच दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद में सौरभ शर्मा ने अतुल शर्मा को एक के बाद एक चार गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और अपने घर चला गया। घर पर अपनी मां को लाइसेंसी पिस्टल देकर फरार हो गया। देखिए 25 जून की शाम को लगभग 6:30 बजे के बाद और 8 बजे के बीच में हत्या की एक घटना हुई थी, जिसमें अतुल उर्फ योगेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति था, जो यामा का एक शोरूम है उसमें पार्टनर के रूप में था। हत्या का आरोप इसके दूसरे पार्टनर सौरभ शर्मा पे था। CCTV फुटेज से भी इस बात की पुष्टि हो रही थी कि दोनों साथ साथ अंदर थे। दोनों के बीच में लेन देन का एक विवाद था। यद्यपि वापसी बातचीत से विवाद लोगों ने निपटा दिया था, फिर भी दोनों साथ साथ बैठ के शराब पी रहे थे। उसके बाद किसी बात पे जो मृतक है अतुल शर्मा, इसने कुछ गाली गलौज किया, इसी पे उत्तेजित होकर के अभियुक्त सौरभ शर्मा जो इसका पार्टनर था, इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसको कई राउंड गोलियां मारी, जिससे वो मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। घटना कारित करने के बाद वो धीरे से निकला और शटर 3/4 से ज़्यादा बंद करने के बाद अपनी कार में बैठ करके निकल गया। लगातार हम लोग दबिश दे रहे थे। दूसरे दिन ही इसकी गिरफ्तारी पे, चूँकि ये सनसनीखेज हत्या थी, 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया। अनवरत हम लोग लगे रहे। अब सूचना से हमें जानकारी मिली कि इसने भागते वक्त अपना लाइसेंसी पिस्टल अपनी माँ को दिया, उससे पैसे लिए। माँ ने उस असलहे को, जो आला कत्ल के रूप में था जिससे घटना कारित की गई थी, घर में छुपा दिया था। माँ की निशानदेही पे आला कत्ल की बरामदगी की गई। माँ को भी अभियुक्त बना के 201 IPC 216 IPC में और रिकवर्ड आला कत्ल के साथ जेल भेज दिया गया था। कल लगातार कई जनपदों में अनवरत दबिश देने के बाद अभियुक्त सौरभ शर्मा की कल गिरफ्तारी रात में की गई है और अब इसे जेल भेजा जा रहा है। पुलिस की माने तो अतुल शर्मा ने सौरभ शर्मा को 10 लाख रुपए उधार दिए थे, जिनमें से 2 लाख रुपए वह दे चुका था और 8 लाख रुपए का तगादा करने से नाराज होकर सौरभ शर्मा ने अतुल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीती 29 जून को आला कत्ल के साथ सौरभ शर्मा की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं आज हत्यारोपी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।